अगर कोई लड़की आपको भी बार बार देख रही है, इतना ही नहीं कोई लड़की का सडनली आप पे इंटरेस्ट जाग गया और आपको बार बार पलट के देखना चाहती है, बहुत ज्यादा घूर रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर कोई लड़की आपको बार बार देखे तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप समझ सको कि लड़की मुझे क्यों देख रही है? इतना ही नहीं अगर कोई लड़की आपको बार बार देख रही है तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे वो देखने के साथ साथ ही आपकी गर्लफ्रेंड भी बन जाए, और फ्रेंड वो भी बिना बात किए? जी हाँ, बिना बात किए। तो आज की वीडियो फ्रेंड स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि अगर कोई लड़की आपको बार बार देखे तो आप क्या करो जो सीधा आपकी क्रश बस से सीधा गर्लफ्रेंड बन जाए, वो इतने नहीं आप दोनों की लव स्टोरी चलने लग जाए। फ्रेंड जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी है भाई, पर दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि बीच में और एंड में आपको मैं ऐसी टिप बताने वाला हूं जो शायद ही कभी आपने सुना होगा, और इस टिप को सुनते ही आपका काम 100% बन जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे बंदे, जो जो मेरे यार दोस्त चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दे फ्रेंड, और भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई जब लड़की आपको देख रही है तो किस नीयत से देख रही है, इसके अकॉर्डिंग ही आप जज कर सकते हो कि लड़की के मन में क्या चल रहा है, समझ रहे हो मेरे दोस्त? मतलब अगर लड़की आपको देख रही है तो क्या उसके देखने के तरीके में एक साई टाइप का है, वो जब देख रही है तो स्माइल कर रही है, चुपचाप आपको देख रही है और काफ़ी लंबे टाइम तक देखे जा रही है आपको, अगर ये साइन मिल रहा है तो पॉजिटिव वे में इसको आप ले सकते हो, ठीक है? मगर इसके बजाय लड़की आपको देख रही है तो गुस्से से आपको देख रही है, एंग्री टाइप को देख रही है, मतलब कुछ इस प्रकार के देख रही है जैसे आपने उससे उधार पैसे लिए और उसको लौटा नहीं रहे और वो आपको इस तलाश में ढूंढ रही है, और इस तरीके से देख रही है, गुस्से से देख रही है, हमेशा आपको देखती है तो मुंह फेर लेती है मगर आपको देखती रहती है और गुस्से से देखती है, तो मतलब नेगेटिव है। तो आपको फ्रेंड पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा, देखो भाई इतना तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा ना कि लड़की आपको किस नीयत से देख रही है, क्या लड़की के मन में चल रहा है, वो किस तरीके से आपको देखना चाह रही है। पहले आप इस बात को लेकर श्योर हो जाओ, तभी आप श्योर हो सकते हो कि हाँ भाई आपके गर्लफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। जब आप फ्रेंड ये बात श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई ये अच्छे नीयत से मुझे देख रही है, तब आपको अगला पॉइंट फॉलो करना है। अब अगर आप ये बात श्योर हो गए हो कि नहीं भाई लड़की तो अच्छे नेगेटिव अच्छे पॉजिटिव तरीके से मुझे देख रही है, नहीं भाई लड़की स्माइल कर रही है, तो आपको फ्रेंड एक गलती नहीं करनी चाहिए, वो ये होता है कि अपने जज्बात पे थोड़ा सा काबू रखिए भाई। कई बार ऐसा होता है जब आपको पता चल जाता है कि लड़की तो मुझे देख रही है, भाई लड़की मुझे देख के स्माइल कर रही है, लड़की मुझे देख के मतलब पसंद करती है, प्यार करती है, तो आप क्या करते हो, अनलिमिटेड एक गलती कर बैठते हो कि लड़की को बहुत ही ज़्यादा भाव देने लग जाते हो, लड़की का पीछे करने लग जाते हो, लड़की के मोहल्ले में गुजरने लग जाते हो, लड़की जिस गली से गुजरती थी आप उसी गली से गुजरने लग गए हो, इतना ही नहीं लड़की अब आपको देखे ना देखे मगर आप उसे बार बार देख रहे हो, उसके चलते आप उस जगह पे वेट करने लग गए हो कि यार एक बार तो देखे ये और देख के स्माइल करे, वही ऐसी देखनी है मेरे को। फ्रेंड आप अगर ये गलती करते हो तो लड़की को लगेगा कि लड़का चेप टाइप का हो गया, मतलब लड़का लट्टू हो गया मेरे पीछे, लड़का दीवाना हो गया, अब चलो देखती हूँ कितना दीवाना है मेरे पीछे, अब तो मैं इसको दौड़ाऊंगी, अब तो मैं इसके सामने भाव खाऊंगी, और आप लोग मुझे कहोगे कि सर पहले तो लड़की देख कर स्माइल कर रही थी और अब देख के स्माइल नहीं कर रही, क्योंकि आप ही लोग गलती करते हो भाई, इतना अनलिमिटेड भाव क्यों देते हो यार, नॉर्मल में भी तो ले सकते हो ना, हाँ ठीक है चल देख रही है स्माइल कर रही है, अपन भी देख के स्माइल करेगा, ठीक है? आपको अगर उससे बात करनी है, अपने दिल की बात कहनी है, तो फ्रेंड बॉडी लैंग्वेज से करिए ना, जरूरत क्या आपको दिखाने की, मतलब आप कितने ज़्यादा पागल हो चुके हो उसके पीछे, यार ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको। अब अगर आप ये कहते हो कि सर बॉडी लैंग्वेज से कैसे बात कर सकते हैं, तो देखो यार अगर वो आपको देखने में अच्छी लगती है, पसंद आ चुकी है, तो नॉर्मली आप उसे देख कर स्माइल करो, और जैसे आप उसे नहीं देख पाते हो, ज़्यादा लेट कर देती है, थोड़ा गुस्से से उसको देखो, तब देखो लड़की का रिएक्शन बैड हो, मतलब चेंज हो जाएगा कि यार लड़को क्या हो गया, अभी तो अच्छे तरीके से देख रहा था, अब अचानक से गुस्सा क्यों होने लग गया, अच्छा लगता है मैं लेट हो गई हूँ, तो किसी न किसी बहाने से या फिर कभी ना कोई ऐसी हरकतें करेगी हो जिसके चलते आपको समझ में आ जाएगा कि बंदी सॉरी बोल रही है, ठीक है? आपको नॉर्मली एक्सेप्ट करना है उसके सॉरी, ठीक है? अगर आप इस तरीके से बात करोगे, इतने लिमिट में भाव दोगे, तो लड़की को लगेगा कि लड़का मेरे पीछे लट्टू नहीं हुआ है, मैंने जैसे सोचा था कि लड़का वैसा हुआ वैसा ही लड़का मिला मुझे, अब लड़की आपको असल में भाव देना स्टार्ट करेगी फ्रेंड, ठीक है? अब अगर आप ये प्रोसेसर फॉलो कर लेते हो, अपने जज्बात पे काबू करते हो और इस तरीके से चलते हो, तो 100% है कि जो देख रही थी बार बार आपके आपके साथ वो आपको देख रही थी, अब वो बातों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? बातों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है फ्रेंड और इंटरेस्टिंग है, और जरा इसको समझिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और फ्रेंड जब आप उससे बॉडी लैंग्वेज में बात करने लग जाओ ना, तो आपको एक गलती नहीं करनी चाहिए कि कभी आपको उसको ये नहीं दर्शाना है कि लट्टू हुआ पड़ा, जैसे अभी आपको भाई ने समझाया है, तो इसके बजाय फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, जैसे कि उसके थोड़ा घुलना मिलना स्टार्ट करो, थोड़ा उसके क्लोज जाना स्टार्ट करो। अब क्लोज जाने से मेरा मतलब ये है कि लड़की को तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आप उस लड़की से बात तो करने जा नहीं रहे हो, तो फ्रेंड आपको करना क्या चाहिए, आप ये भी जरा समझ लीजिए कि फ्रेंड आपको तारीफ करनी, जैसे कि अगर उसने अच्छा ड्रेस ट्राई किया या फिर अच्छी कोई भी चीज़ ट्राई की हो, तो फ्रेंड आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए बताओ कि आपके ऊपर ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। अब लड़की धीरे धीरे श्योर हो जाएगी कि लड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लड़का भी को भी मैं अच्छी लगती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही प्यार है, लड़का भी मुझे प्यार करता है, लड़की भी बदले में पॉजिटिव एनर्जी आपको दिया करेगी फ्रेंड, ठीक है? मतलब अच्छे तरीके से वो भी आप
कोऑपरेट करेगी आपके साथ वो। तो जब इस तरह का प्रोसेसर आप फॉलो करते हो तो लड़की कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाएगी। देखो भाई एक बात सुन लो कि जब लड़की आपको बार बार देख रही है, जब लड़की आपको बार बार देखकर स्माइल भी कर रही है, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है लड़की ये चाहती है कि आप उसे इंप्रेस करो, आप उसे सेट करो। ठीक है, मतलब आसान सी वे में आपको समझाया हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इंप्रेस करना ही है, उसे सेट करना ही है, तो फ्रेंड अपने जज्बात पर थोड़ा सा काबू रखो भाई, क्योंकि अभी तो आप इससे बातचीत तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, बातचीत तो कर नहीं रहे हो, तो जो करना है आपको इशारों के जरिए ही करना है। समझ गए, आपको बता रहा हूं मैं कि आगे और क्या करना है, बट फ्रेंड इतना समझ लीजिएगा कि जो जो भी आपको पॉइंट आपके भाई ने समझाया है, इस पॉइंट को सही तरीके से आजमाइएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, क्योंकि अगर ज्यादा आप ऊपर नीचे करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका बनी बनाई कहानी खराब भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि अगर आप उस लड़की से बात करने की हिम्मत जुटा लेते हो अपने अंदर, इतना ही, अगर आप उस लड़की से बात करने जाते हो तो फ्रेंड पहली मुलाकात में आपको ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ठीक है, और खासकर तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपने उससे ये पूछ लिया कि अच्छा तुम मुझे क्यों देखती हो इतना, या फिर क्या बात है जो तुम मुझे बार बार देखती हो, या फिर क्या बात है जो तुम मुझे इतना घूरती रहती हो, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं लड़की को लगता है कि लड़का चोमू है, लड़का भोंदू टाइप का है। भाई कौन ऐसा लड़का या फिर कौन ऐसी लड़की है जिसको पता नहीं होता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को देख रही है तो इसका मतलब गलती हो? ऐसा नहीं होता ना भाई। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुम मुझे क्यों देख रही थी या फिर क्या बात है जो मेरे को तुम इतना देख रहे हो। तो मतलब लड़की को लगता है कि लड़का अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है यार, नहीं करना चाहिए उसके साथ बातचीत, नहीं करना चाहिए ये सब चीज। तो इसके चलते भी लड़की आपको भाव देना बंद कर देती है। तो आप अगर किसी लड़की से फर्स्ट मीटिंग में बात कर रहे हो, मतलब उस लड़की से, तो ये मत पूछा करो कि भाई क्या क्यों कैसे क्या देख रही थी। नहीं, नॉर्मली आप उससे बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, मैं आपको नोटिस कर रहा था काफी टाइम से, आपकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी और आपकी आंखें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप जब देख रही थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि चलो भाई कोई अपना दोस्त अपना यार मुझे देख रहा है। इसके चलते मेरे को सोचा कि चलो भाई आज फाइनली तुमसे हिम्मत बनाई लूं बात करने की। आपको ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। पहली मुलाकात में फ्रेंड आपको प्रपोज भी नहीं करना, आपको ये बात पे ध्यान रखनी है कि आप प्रपोज करने के इरादे से जा रहे हो तो भाई आपके अंदर की जो भी हिम्मत है वो सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी। तो प्रपोज करने के इरादे से नहीं जाओगे, आप नॉर्मली फ्रेंडशिप करने के इरादे से जाओगे। देखो यार मुझे पता है कि आप बोलोगे यार मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी, मुझे तो सेटिंग ही करनी है, तो भाई थोड़ा सा जज्बात पर काबू रखो, जैसे मैंने आपको बताया भाई थोड़ा धीरे धीरे काम करो भाई, प्यार का मामला है, अगर इसमें जल्दबाजी करोगे ना तो छूट जाएगी आपकी ट्रेन। तो जल्दीबाजी मत किया करो यार, जितना भाई आपको समझा रहा उतना समझो, ठीक है। आपको नॉर्मली उससे फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाना है आगे। तो फ्रेंड इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है चल पड़ेगी, ठीक है भाई। आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना जो कि आपका भाई समझाना चाहता है कि जब आप उसे देख रहे हो या फिर जब आप उसे देखने जाते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टाइम टेबल बना लेना कि इस टाइम पे मैं इससे मिलूंगा, इस टाइम पे मैं इसको देखूंगा। और लड़की को भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई इसी टाइम पे ये छत पर आता है, इसी टाइम पे गली में आता है, या फिर इसी टाइम पे ये पार्क में मिलता है और इसी टाइम पे मैं इसको दिखाऊंगा। वो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस, मोहल्ला, आपका कहीं भी जगह, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना फ्रेंड कि बाहर के किसी एरिया के किसी बंदे को पता ना चले, ठीक है भाई। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बाहर के किसी बंदे पर पता ना चले, क्योंकि अगर आप हबड़ दबर मचाओगे, जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं बात फैलने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप नहीं करिएगा, क्योंकि लड़कियों को अपनी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, ठीक है भाई। इतना सा ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी बात मैं और आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ उससे बॉडी लैंग्वेज से बात करोगे, ज़्यादातर आप भी उसको नाराजगी दिखाओगे, आपको भी बुरा लगता है, तो कहीं ना कहीं लड़की भी ऐसी हरकतें करेगी जिससे आपको समझ में आएगा कि लड़की भी आज मुझसे नाराज है, लगता है आज मैं लेट हो गया, इसके चलते थोड़ा भाव खा रही, थोड़ा ये कर रही है। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं आप भी समझिएगा उसकी फीलिंग को, और आप भी थोड़ा ऐसा फील करिएगा कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि यार मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मैं जितना टाइम पे छत पे नहीं आया, मोहल्ले में नहीं आया, गली में नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, तो तुम उसे कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके से आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लड़की आपके साथ फुल टू टाइम देना चाहिए, लड़की आपके साथ बात करने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा उतावली होने लग जाएगी फ्रेंड। और इस तरीके से अब एक सवाल जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लड़की आपको क्यों देखती है बार बार, तो देखो भाई एक बात सुन लो, ऐसा तो है नहीं कि आप उस लड़की का पैसे लेके भाग गए हो, कहीं ना कहीं लड़की को आप अच्छे लगने लगे हो किसी ना किसी कारण से, आपने कोई ऐसा हुनर किया, फिर आपको कहीं ना कहीं उसने देख लिया ऐसी जगह जिसके चलते आप उसे अच्छे लगते हो भाई, इसके वजह से कोई ना कोई बात हुई है जिसके चलते लड़की आपको बार बार देख रही है। तो फ्रेंड इसके जरिए आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि लड़की आपको ये कि इसलिए रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे अच्छे लग रहे हो, पागल नहीं है लड़की वो, इसलिए आपको देख रही है, ठीक है। बाकी तो देखने का रिएक्शन आपको बताई दिया किस तरीके से देखती है। एंड आई होप आपने जो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कही थी मैंने उसको एक्सप्लेन करके समझाया आपको, तो वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाई अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मन में सवाल चल रहा है आपके या फिर कोई हेल्प चाहिए हमसे तो आप इंस्टाग्राम पर कह सकते हो, पूरी बात आपको मैसेज करनी है भाई, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना देगा। वीडियो बनाने में कितने मिनट तक आपने देख लिया होगा भाई, तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना फ्रेंड, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो दोस्त यार के साथ शेयर भी करिएगा हमारी ये वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।